बाबा। जी बाबा। मैंने सारा तबर्रुक बांट दिया। जसाकर। चलो मेरा काम भी खत्म हो गया है, लगता है जोहर का वक्त होने वाला है। आप वजू करें, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है। जी आइए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमत भाई, ये मेरी बहू है। 7 साल हो गए लेकिन अभी तक इसकी गोद सूनी है। आप जरा देख के बताइए, कोई बंदिश तो नहीं? डॉक्टर को दिखाया था आपने? जी, डॉक्टरों के पास तो जा जा के थक गए हैं। अच्छा, अपने बेटे का चेकअप कराया था? जी हाँ, उसका तो पहली बीवी से एक बेटा है। अदनान की फर्स्ट वाइफ बच्चे को लेकर कहीं चली गई हैं। उनका भी कुछ नहीं पता हमें, हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं। जरा बच्चे का भी हिसाब लगा के बताइए। अभिया का बच्चा अभिया के पास नहीं है, पर आपके पोते का नाम फारिस नहीं है। अगर फारिस होता तो 3 दिन में मर गया होता। नहीं अस्मत भाई, मेरी बहू जब घर छोड़ के गई थी तो उस वक्त बच्चा 4 महीने का तो हो गया था। अभिया का बच्चा अभिया के पास नहीं है और ना आपके पास है। जी, ऐसी नूरानी जगह पर मौजूद है जहां चारों तरफ नूरानी ताकतें उसके साथ है। हमारा इल्म तो यही बताता है। हम इस फुटेज में छत नहीं देख सकते, लेकिन इस कैमरे में तमाम हादसा मौजूद है। मैंने बड़ा वक्त लगा के ये फुटेज निकाला है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई। ये शिवाजत है। ओ, इमरान भाई, मुझे ये फुटेज USB में चाहिए। श्योर। इट इज वेरी क्लियर, हादसे का पहले से पता चल सकता था। और तूने वाजिद के सर पे डैमेज का निशान देखा था? हाँ, लेकिन एक बात है, बच्चे कह रहे थे कि वहां पर फारिस मौजूद था। साइम और समीर ने भी यही बात कही, लेकिन फुटेज में फारिस कहीं नजर नहीं आया। भाई, मैंने तो देखा ही नहीं उसे, मैं जानता नहीं हूँ। तुमने देखा है? मेरे पास उसके एडमिशन फॉर्म की एक तस्वीर है, वो दिखाती हूँ। हाँ, निकालो निकालो निकालो। ये देखो। आप लोग उस पीर के पास गए थे ना, क्या कहा उसने? अदनान बहुत ही जबरदस्त आदमी है, वो हिसाब निकाल के सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? मेरे बारे में तो उन्होंने ये बताया कि मुझ पे कोई बंदिश वगैरह नहीं है, बस मेडिकल इश्यू है। कुछ पढ़ने के लिए दिया उन्होंने। और हाँ, वो अम्मी ने फारिस और अभिया के बारे में भी पूछा था। देखो आमना, तुमने और
अम्मा ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो करना है करें, मेरे लिए ना सिर्फ नमाज ही ठीक है। हाँ तो अदनान, नमाज तो फर्ज है, वो तो हर हाल में अदा करनी चाहिए, ये तो एक इलाज है। यार मैं बेवजह के अकायद में नहीं पढ़ना चाहता, खास तौर पर इन जाली आमिलों के अकायद में। आप ऐसे किसी से मिले बगैर किसी को जज नहीं कर सकते। जो आमिल पैसे लेता है ना, वो हमेशा जाली होता है, मेरी बात याद रखना। टीचर वो वहीं था जब हम क्रिकेट खेले थे तब भी, और जब वाजिद छत से गिरा तब भी। यूएसबी में स्कूल की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है, अभी देख लेते हैं हम लोग। इज इट पॉसिबल कि अगर मुझे कोई पीसी या लैपटॉप, अगर मैं आपको लैपटॉप देती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मेरी बात पे यकीन करें, वो वहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त फील्डिंग कर रहा था। शुक्रिया। मामा वो वहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो वहीं था। बेटा अपनी आंखों से देखकर भी नहीं मानोगे। बोलो सर, वो बच्चा नहीं है, वो एक गोस्ट है। ही कैन डू एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम भाभी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मेरी तुम कल शाम में कहाँ थी? मुझे तुमसे इतनी जरूरी बात करनी थी। भाभी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड की मंगनी होने वाली है, तो बस उसके लिए जो शर्ट ऑर्डर करने दी थी वही लेने गई थी। खैरियत? कल अम्मी मुझे एक बुजुर्ग के पास लेकर गई थी, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हिसाब लगा के सब कुछ बता देते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? मेरे बारे में तो ये कह रहे थे कि मेरा मेडिकल इशू है, कुछ पढ़ने के लिए चीजें दी हैं। आपने हाजिरी दे दी है ना मजार पे, अल्लाह ताला आप कोई ना कोई वसीले बना के भेज देंगे और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों नहीं जाती अजमत भाई से मिलने? अम्मा ले ही ना जाए मुझको। मैं ले जाऊंगी तुम्हें। तुम क्या सुनगुन ले रही हो हमारी बातों की? मैंने क्या सुनगुन लेनी है, अजमत भाई को तो मैंने ही बताया था। बैठे? Yes, please. आप ही बैठे ना। मम्मा ये बैलून्स कम नहीं लग रहे? नहीं तो ठीक लग रहे हैं, रूम थोड़ा बड़ा है ना इसलिए आपको लग रहा है कि कम है, बट देयर फाइन। अब बुरकान चाचा को फोन करके बोल देना, वो और बैलून्स ले आएंगे। बुरकान चाचा ही की तो बर्थडे है, अगर उन्हीं को बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या रह जाएगा, है ना? अच्छा सुनो, जब बुरकान चाचा आए तो उनको ऊपर मत आने दीजिएगा, हम नीचे चलेंगे। सही। और मम्मा केक? मैंने ऑर्डर कर दिया है, शाम तक डिलीवर हो जाएगा आपका केक। चाचा का केक? चाचा का केक। लीजिए जनाब, ये रही आपकी चाय। थैंक यू। कहाँ तक पहुंची आपकी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट, कंक्लूजन ही नहीं है कोई। कैसा कंक्लूजन? यार यही के प्रॉब्लम अबीहा के साथ है, उसके बच्चे के साथ। ऐसे हो तो दोनों के साथ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो।
मुझे भी यही लगता है। अच्छा ये देखो एक चीज मुझे जरा तुम भी समझाना, ये देख रही हो समीर ने कहा था ना कि बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ था, मान वहां देखो एक काला सा साया, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कैमरे का ग्लिच भी हो सकता है, मगर है तो सही। और दूसरी एक और चीज है यार मोना, वो वकील की मिसेज थी ना, उसने अपने शौहर की डेथ का जो टाइम बताया था अभी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, एंड फॉर सम ऑड रीजन आई थिंक कि प्रॉब्लम बच्चे के साथ। अच्छा वैसे वो बच्चा ना लगता भी बहुत मिस्टीरियस है। लगता तो है यार, तुम एक काम करो तुम अगर अभिहा को कॉल करो, हमें उनसे मिलना चाहिए। अच्छा मैं कॉल करती हूँ। आतिफ, तुम्हारे गले में फंदा है। तुम उसे और टाइट कर दो ना। तुम रुको एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक मिनट रुको, ये देखो। ये क्या है? जब तुम कहोगे तभी आंखें खोलेंगे, ठीक है? सालगिरह मना रहे हैं। चलो ये काट। यार प्लीज यार रोना तो बंद करो, तुम्हें पता है तुम रोती भी अच्छी नहीं लगती हो मुझे। आतिफ बेटे बिठाए हमने मुसीबत का फंदा अपने गले में डाल लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम्हें जरूरत क्या थी इस मामले में पढ़ने की। मोना मूव ऑन, जो होना था हो गया यार। क्या हो गया? किससे जान छुड़ाएंगे इस शैतानी चक्कर से? जिन ने भूत है चुड़ैले, क्या अजाब है, जान कैसे छुड़ाएंगे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। यार मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना। कैसा हल? हल होता तो इतने सारे लोग मरते। अरे मर गए, उनको पता नहीं था मोना, हमें पता है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब तुम अभी भी इस मामले में पड़ोगे? इस मामले की तह तक पहुंचे बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई हल नहीं निकल सकता। इसका एक ही हल है। क्या? किसी जय्यद आलमे दीन से मेरी बात सुनो, या किसी मौलवी से झाड़ फूक करवाई जाए, कोई तावीज या रूहानी अमल ही इसकी काट कर सकता है। तुम मेरी बात सुनो, सुबह तुम मस्जिद इमाम के पास जा रहे हो। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि तुम फजर में जाओ, और अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। वो बहुत अच्छे और पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और फारिस केक? ओ मैं भी लाया। फारिस बाबा। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, तो आप किसी कमरे में शिफ्ट हो जाएं, अच्छा लगेगा मुझे। क्यों बाहर रहना?
मैं कैसे रह सकता हूँ जी, मेरा आपसे क्या रिश्ता है? तो रिश्ता बना लेते हैं एक जी। शादी करोगे मुझसे? आपसे शादी? लेकिन आई नो, मैं जानती हूँ कि अदनान के निकाह में हूँ मैं, और लेकिन बुरकान, हम साथ भी तो नहीं रह सकते, इतना अरसा हो गया हमारी मिलेदगी को, खुला ले रही हूँ मैं उससे। आपने अच्छी तरह से सोच लिया है बीबी जी। अबिया नाम है मेरा, तो अबिया कह लो सिर्फ, अच्छा लगेगा। कोई इतराज है तो बता दो, कोई मसला नहीं है अगर कुछ। नहीं, नहीं अभी। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे फारिस बाबा। हाँ आपने यहाँ लाने से पहले इनको इस घर के तौर तरीके सिखाए थे? मुझे कोई कहीं के तौर तरीके ना बताए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। काफी अच्छा वक्त साथ गुजारा है हमने। भूल रही हो तुम शायद हैं? कुछ गलतियों को भूल जाना ही बेहतर होता है, और आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शायद कोई 6 या 7 साल पहले उसकी कॉल आई थी मुझे, हो सकता है उसे कोई काम हो मुझसे। तो क्या उसके बाद उसने कभी आपसे रابطہ करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं की उसने, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और फ्रेंड से भी रابطے में है। अच्छा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अब यार फारिस का कुछ पता नहीं चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं? वो हॉस्पिटल जहाँ फारिस पैदा हुआ था, वहाँ जाकर देखें, शायद वहाँ कोई क्लू मिल जाए। बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए अभिया तो जाती होगी फारिस को लेकर। What do you think? हाँ, ये हो सकता है। आप अभी जा रहे हैं? I guess आज मेरा ऑफ है, तो तुम्हें पता है ना, ऑफिस डेज में कितना बिजी हो जाता है। मम्मा, आज बुरकान चाचा नहीं है? फारिस, सलाम करते हैं बेटा सबसे पहले। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए सीट बेल्ट लगाइए, मैंने रात थी। छोड़िए मम्मा, मुझे कुछ नहीं होता। बात कुछ होने की नहीं है, बात होती है कि जिंदगी को तरीके से गुजारना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, लंच फिनिश किया था? यस। चलो चलते हैं। अल्लाह का नाम पर दे दे। जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? फारिस किले चाचा, ये क्या बदतमीजी है? कहां से सीखते हो ऐसी बदतमीजियां? हाँ, तुम से उम्र में कितने बड़े थे फारिस। लेकिन मम्मा, भीख मांगने वाले तो बुरे लोग होते हैं।
बुरकान चाचा भी इन्हें डांट के भगा देते। बुरकान चाचा गलत करते हैं, उनको तो मैं समझाऊंगी, लेकिन आप आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। इंसानों से तो मोहब्बत करनी चाहिए बेटा, किसी इंसान को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो, उससे बदतमीजी कभी नहीं करो। इंसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं और क्यामत वाले दिन ना सजा भी देते हैं। प्रॉमिस करो आप आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। प्रॉमिस मम्मा। गुड बॉय। लो इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के पहन लो। सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं मेरी गद्दी नशीन, मौलवी साहब ने क्या कहा था, सूरज जिन अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद, सूरज जिन पढ़ के सीधा से पहननी। ठीक है मैं कुरान पाक लेकर आ रही हूँ, अभी पढ़ो और अभी पहनो। हाँ हाँ सब होगा। अदनान साहब का एड्रेस निकाल। और सिर्फ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि तुम इस मामले से दूर रहो। नहीं पढ़ रहा, बट व्हाट इज दिस इज प्रोटेक्शन राइट। मौली साहब ने यही बोला था ना कि इसके पहनने वाले पर ना कोई जिन्नाती ना कोई शैतानी ताकत असर कर सकती है। आप्तर, मेरे पास एड्रेस नहीं है। वो ना सिर्फ मेरी जान खतरे में तो नहीं है ना, ना जाने कितने लोग हैं जिनकी जाने खतरे में। प्रोटेक्टेड राइट। और ये देखो ये रिंग वरिंग लाइन तुम्हारे माथे के ऊपर, पता है 5 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। मैं देखूंगा मगर तुम ड्रेस प्लीज। अच्छा लाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुरान पाक लेकर आ रही हूँ, अभी पढ़ो और अभी पहनो इसको। पढ़ेंगे और पहनेंगे, तुम ले आओ। फारिस अदनान, यही नाम बताया ना आपने? जी। गालिबन 19 जनवरी 2019 को उनके हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल हुआ था। कोई अपडेटेड एड्रेस नहीं है आपके पास? नहीं, वही पुराना पता है PCHS वाला, नंबर भी गालिबन आप ही का है। मुझे लगता है 2 साल से अस्पताल ही नहीं आए, ये तो अच्छी बात है ना, बच्चा बीमारी नहीं हुआ होगा। शुक्रिया। फारिस मुझे बताना है कितना खाना निकालूं, प्लीज वेस्ट मत करना, पूरा फिनिश करना है, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। क्या बात है फारिस, आपसे पूछ रही हूँ कुछ। जी मम्मा। क्या हुआ बेटा, इतने खोए खोए क्यों हो, कुछ हुआ? कुछ नहीं मम्मा। क्या हुआ है, कोई बात है, शेयर करो। माँ आपने मुझे गाड़ी में बताया था कि हमें इंसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बताया था, और ये भी बताया था कि अगर आप किसी को तकलीफ देते हो तो अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं। और अगर आप किसी इंसान को तकलीफ दें तो? तो आपको उस इंसान से माफी मांगनी चाहिए और फिर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए अल्लाह ताला से कि ऐसी हरकत आप दोबारा कभी नहीं करेंगे जिससे किसी अगले को तकलीफ पहुंचे। और प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस, कभी ऐसे दोबारा नहीं करना। चलें खाना स्टार्ट करें। क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला क्या? 2 साल से हॉस्पिटल नहीं आई है। अदान एक बात कहूं? बोलो। अम्मी जिस पीर साहब के पास मुझे लेकर गई थी, अदान जस्ट लिसन टू मी,
वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी है। अगर हम उससे माँ का नाम और बच्चे का नाम बताएं तो वो हिसाब निकाल कर दे देंगे हमें। फिर ये कि उनका कहना है कि फारिस अबिया के साथ नहीं है। What rubbish यार। I know you don't believe this, लेकिन उन्होंने हमें यही बताया है। पहली बात, मैं इस सब में यकीन नहीं करूं, और अगर मैं यकीन कर भी लूं ना तो इसका मतलब है कि अबिया से बच्चा गुम हो गया है या किसी ने बच्चे को अगवा कर लिया है। नान, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम अबिया को छोड़ के बच्चे पे फोकस करें, उसको ढूंढें, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? अबिया से बेहतर उस बच्चे के बारे में कौन जानता होगा? आसिफ, मैंने उनका एड्रेस दिन में ही निकाल लिया था। तो लो ना। तो भाई मत पढ़ो ना, तुम इस मामले में क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? बहुत बड़ी स्टोरी मिल सकती है, मेरी प्रमोशन हो सकती है, और तुम जानती तो हो किसी भी दिन दफ्तर वाले बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। तो आतिफ, जान से बढ़कर है क्या नौकरी? ये देखो, कुछ नहीं होगा मुझे। ये बात तुम इतनी अश्योरिटी से कैसे कह सकते हो? मोना जी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता। ये लो तो दूर। देखें तावीज के, नो, आपके दिए हुए तावीज के असर से जिन्नाती असर हुआ। मगर इससे कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता क्या मतलब? एड्रेस दो यार। अस्सलाम वालेकुम। हमें पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया था फारिस अदनान। आप प्लीज वेट कीजिएगा, मिस शायदा आकर आपसे मिलेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू। डैड, डैड आप मुझे आईपैड कब दिलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू ओन इट। आई थिंक हमारा डिसाइड हुआ था कि आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे देन आपको आईपैड मिलेगा, राइट? लेकिन डैड, मेरे हर सब्जेक्ट में आए, सिर्फ उर्दू में नहीं आया। इट ऑलमोस्ट एन ए। ऑलमोस्ट मींस नो। प्लीज। अच्छा, घर चल के बात करते हैं। थैंक यू डैड। Is there anything wrong? Mama? मेरे पापा कहाँ हैं? आपको क्यों ये ख्याल आया आज? सब बच्चों के पापा होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, उनको आईपैड दिलाते हैं, उनको आइसक्रीम दिलाते हैं। मेरे पापा क्यों नहीं है? मेरे लिए कोई नहीं है। क्यों? मैं नहीं हूं आपके लिए? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं आपको आइसक्रीम नहीं दिलाती? आई एम ऑलवेज हियर फारिस। और देखो, फिर बुरकान चाचा भी तो हैं। वो तो चाचा है ना, पापा तो नहीं है ना। अच्छा, इसके बारे में हम घर चल के बात करेंगे, ठीक है? ना चेहरा, स्माइल। फारिस, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, इंग्लिश की टीचर आपको बुला रही है। चलो, आप अपनी क्लास में जाओ। ओके, चले बेटा।
सरकार, ये है बच्ची। आपकी बच्ची है? जी जनाब, मेरी बेटी है। कितने अरसे से है ये मसला इनके साथ? ये पिछले 2 साल से बीमार है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि इसके साथ कोई रूहानी मसला है। इसके तो गुर्दे फेल है। छोटे सरकार, रियान बाबा ने देख लिया। छोटी सी उम्र में अल्लाह ने इन्हें बड़ी नजर से नवाजा है। अगर आपको इतराज ना हो तो हम बात कर लें बच्ची से। देखिए, हम तो यहाँ फातह करने आए थे। अगर इसको यहाँ से शिफा मिलती है तो मेरे अल्लाह की मर्जी, आप जरूर बात करें। लेकिन ये भी किसी की बात का जवाब नहीं देते। और बेटा, नाम क्या है तेरा? नहीं बताऊंगा। नूर बेटा, मैं कहाँ हूँ बाबा? नूर, फरा हमारी नूर बोल रही है। फरा, नूर बेटा, देखो अपनी मामा को, देखो। नूर बोल रही है, नूर इतनी देर से। इलाज कराया दोबारा बोलो बाबा, दोबारा बोलो। ये कौन है? ये कौन है? मोना ने मुझे बताया था आपके बारे में। बहुत खुशी हुई आपके लिए। शुक्रिया। कहिए, कोई बात करना चाहते थे आप मुझसे? वो आपने ये तस्वीर देखी होगी। हाँ यार, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक अजीब वाकया था मेरी जिंदगी का। हाँ, इस तरह के और भी वाकयात हुए हैं अभी। अच्छा जी, कौन से वाकया? देखिए, एक तो वो वकील थे मिस अबिया के, जिनकी तस्वीर के ऊपर विंडो एसी का शेडो आया था, और फिर उनकी डेथ भी ऐसे ही हुई थी कि विंडो एसी उन पर गिरा था और इंतकाल हो गया था। दूसरा विक्की, उनकी तस्वीर के ऊपर टूटे हुए शीशे का निशान उभरा था, और फिर उनका एक्सीडेंट। जी बेटा। भाई, अगर आप घर पर हैं तो मैं ड्राइवर के साथ अपनी दोस्त फौजिया के यहाँ चली जाऊँ। जी, क्यों नहीं। आप एक काम करो ना, वो छोटी गाड़ी ले जाओ। वैसे भी अब आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
सॉरी नहीं करूँ सर। प्लीज कंटिन्यू। जी तो एक मिनट मुझे ये बताएं कि आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखिए ना सब, इन सब वाकयात को तो काफी साल गुजर गए, मगर रिसेंटली ये दोबारा से दो वाकयात हुए इसी तरह के, जिसमें से एक तो वो टीचर थी जिनकी डेथ हो गई, और दूसरा मैं हूं सर। देखिए आतिफ, मेरा सवाल अभी भी वही है कि मेरा इस सब से क्या लेना देना है। है सर, आपका है, आपकी फैमिली बहुत गहरा ताल्लुक, आपकी मिसेज मिस अबीहा का है, खास तौर पे आपके बेटे फारस का, उन सब चीजों से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या आप जानते हैं कि अबिया और फारिस कहां पर है?